नमस्कार दोस्तों, चर्चा पर द फिल्म टाइम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक तमिल वेब सीरीज पेट्टई काली के बारे में। एक एक्शन रोमांटिक मिस्ट्री जॉनर वाली वेब सीरीज है। इसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसके डायरेक्टर हैं राजकुमार और इसे आहा OTT पे रिलीज किया गया है। तो आज मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा जिसका नाम था फुंगन येलिमलाइन। प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो अपोलोजाइज। 42 मिनट्स की फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद इसका जो एक्सपेक्टेशन था आने वाले एपिसोड्स को लेके वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था ऑडियंस के माइंड में। मेरे माइंड में तो खास करके हुआ था कि भाई क्या होने वाला है, कुछ तो बवाल होने वाला है। और फर्स्ट एपिसोड ने उस सारे एक्सपेक्टेशन को मीट किया है और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब बढ़ चुकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ये लोग क्या दिखाने वाले हैं इसको लेके। रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी स्टोरी थोड़ी बता देते हैं। स्टोरी लंबी है तो थोड़ा गौर से सुन। ये कहानी है तमिलनाडु की शिवाईगंगाई डिस्ट्रिक्ट के अराड़े हिल्स के आसपास के कुछ गाँव की। उनमें से एक गाँव है मुल्लयूर। यहाँ के किसान राजाओं के टाइम से लैंडलॉर्ड्स के यहाँ यानी जमींदार के यहाँ पे काम करते आए हैं। तो ये लोग कभी भी कुछ राजा से या फिर अपने लैंडलॉर्ड से डिमांड नहीं करते थे। पर एक बार क्या हुआ, मुल्लयूर गांववासी पहुंच गए अपने मिनिस्टर्स के यहाँ को। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चाहिए था जमीन का पूरे सारे गांव के लिए। तबगड़ी के जो लैंडलॉर्ड थे कुला केसरन, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो कुला केसरन के डेथ के बाद जब उनके बेटे कुर्सी पे बैठे लैंडलॉर्ड बने, तो गांव वाले फिर गए उनके पास और उनके बेटों ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। तो गांव वाले भड़क उठे। तो गांव वालों का ये रवैया देख मनीष एकरन ने दोनों गांव के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। वो कहते हैं ना, आग लगा दी गांवों के बीच में। तो कुछ वैसा ही काम उन्होंने किया। फिर क्या था, दोनों गाँव आपस में भिड़ गए और इसमें मुल्लयूर गाँव पूरा तरीके से तबाह हो गया। यहाँ के जो बचे कुछ गाँववासी थे वो लोग रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। गांव छोड़ के उन्हें शिफ्ट होना पड़ा कहीं दूसरी जगह पे। तो यहाँ तक तो स्टोरी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ क्लियर हो गया, समाप्त हो गया, मुल्लयूर हार गया, पर कहानी अब भी बाकी है। समय बदला, वक्त ने करवट लिया और फिर एक वॉरियर सामने आया, पांडी, जो शायद इन लैंडलॉर्ड्स के साम्राज्य को अकेले ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता हो। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसे इसके पास्ट के बारे में, इसके पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये लड़ता तो किससे लड़ता, कैसे लड़ता, क्या ये अकेला लड़ पाता उनसे? अरे ये तो पहचानता भी नहीं है कि वो लोग है कौन। तो ये रिवेंज आखिर कब तक चलेगा और इसका एंड कैसे होगा, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। फिर कहाँ देखनी है, तो आहा ऐप पे। वेल, फ्री तो नहीं है सीरीज, इसके कुछ प्रीमियम प्लान्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे इसे देखने के लिए, पर ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और तमिल अगर समझ में आए तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स का भी मदद ले सकते हैं। फिलहाल तो इसका फर्स्ट एपिसोड ही रिलीज किया गया और इसका फर्स्ट एपिसोड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव स्टाइल अमेजिंग है। स्क्रीन प्ले टोटली एंटरटेनिंग है, शुरू से लेके आपका इंटेंस बना हुआ रहता है, एक पल के लिए भी आप बोर नहीं होते हो। सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग है एंड इसका BGM OG बार बार सुनने को दिल करता है। फिल्म में जो एक्शन कोरियोग्राफी दिखाई गई है वो अच्छी है। फिल्म में बुल टाइमिंग को एज अ स्पोर्ट दिखाया गया है, जो आपने जल्लीकट्टू मूवी में देखा है। बुल टाइमिंग मतलब बुल्स को कंट्रोल करना, उसे काफ़ी परफेक्टली प्रेजेंट किया गया है एंड उसमें जो एक्शन को शूट किया गया है वो भी लाजवाब है। सीरीज की अगर कास्टिंग की बात करें तो इसके लीड रोल में है कलाईयाडासन, शीरा राजकुमार, एंथोनी गौतम, बालाहसन आदि ऐसे कलाकार। सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है। ओवरऑल राजकुमार जी की डायरेक्शन अभी तो डिसेंट लग रही है और आने वाले एपिसोड में इसके एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी से। होप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अच्छा हो। वेल, देखने लायक तो है और इसका नेक्स्ट एपिसोड 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सीरीज एंड दैट्स रैप इन दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर गेटिंग मोर कंटेंट। कीप वॉचिंग।